गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सद्गुरु की जो वाणी है उसे परमात्मा का संदेश मिलता है। अब परमात्मा जो है वो सामने प्रकट होकर तो हमसे बात नहीं कर सकते, वो हमारी परेशानी में एकदम से सामने नहीं आ सकते। वो तो शक्ति है, वो तो निराकार है, वो तो हर जगह व्याप्त है, वो आपसे प्यार भी करते हैं। लेकिन जो व्यक्त रूप है, जो सामने दिखाई दे मूर्त रूप जो है, वो फिर गुरु होते हैं, जो आपके सामने आपकी परेशानियों को सुनते हैं और परमात्मा के संदेशों को आप तक पहुंचाते हैं। तो जब भी कभी आपको लगता है कि आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, किसी ने आपको हर्ट कर दिया है, तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने परेशान किया और आसपास कोई है भी नहीं सुनने के लिए। आजकल ये भी एक समस्या है कि जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अपनी बात बताना, लेकिन सुनने वाला है कौन? कोई नहीं सुनना चाहता आपके दुखों को, आपके दर्दों को, आपकी तकलीफों को। और सही दिशा तो देगा ही कौन? कोई भी नहीं दे सकता। लोग कहते हैं हम तो खुद ही बहुत दुखी हैं और हम तुम्हें क्या डायरेक्शन दे दें, हम तुम्हें क्या बता दें। तो कोई भी सुनने वाला नहीं होता। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, एक सद्गुरु मिलता है, तो उसका धन्यवाद दीजिए। वो बहुत ही कीमती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके संदेशों को अपनी ज़िंदगी में जगह दें।